हाय दोस्तों, आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा था दोस्तों, इसके लिए सॉरी भाई। तो बहुत दिन से मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम में था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। तो आप आज का वीडियो टॉपिक है कि दोस्तों आपके फ़ोन में कोई सा भी ऐप डिलीट कर रहे हैं, तो आप अगर आप कोई सा भी ऐप डिलीट कर रहे हैं तो आपके फ़ोन में ऐप को डिलीट नहीं हो पा रहा। देखिए जैसे कि मैंने व्हाट्सअप डिलीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करके रहता हूँ तो दोस्तों देखो क्या लिखा रहा है नीचे, होम स्क्रीन लाइट इज़ लॉकेड। मैं फिर से कर रहा हूँ दोस्तों, देखो फिर से लिखा रहा है होम स्क्रीन लाइट इज़ लॉकेड। तो इस प्रॉब्लम में आप कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दोस्तों, तो आप चाहे तो आप सेटिंग में जाकर अपना मैनेज ऐप में जाकर वहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, यहाँ से बहुत सिंपल होता है। तो मैं इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर दूंगा। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों अगर नया हो तो प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब जो दिख रहा है इसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो और एक लाइक कर दो और एक शेयर कर दो दोस्तों को अपने, ताकि आपको दोस्त भी इस प्रॉब्लम से बच सके। तो चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूं दोस्तों, आपको इस प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है। तो मैं काट देता हूं आपको, जो सेटिंग आपका फ़ोन में जो रहता है तो सेटिंग में जाना है। मेरा जो सेटिंग है मैं सेटिंग में गया दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा आपको स्क्रॉल डाउन करना है, मतलब नीचे से ऊपर करना है दोस्तों। तो मैं नीचे से ऊपर किया दोस्तों, यहाँ पर लिखा आएगा बहुत सारे ऑप्शन, लॉक स्क्रीन, पासवर्ड, नोटिफिकेशन, होम स्क्रीन। तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा आइकन, बहुत सारे ऐसा ऑप्शन दिखेंगे। तो आपको सिंपली आपको अगर रेडमी फ़ोन है दोस्तों तो आपको ऐसा दिखा आएगा होम स्क्रीन रिसेंट। आपको जो मैं जिस पे दिखा रहा हूँ दोस्तों होम स्क्रीन रिसेंट पे आपको एक बार जाना है और यहाँ सर उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, बहुत सारे ऑप्शन। तो सिंपली आपको लॉक होम स्क्रीन लाइट जो दिख रहा है दोस्तों सिंपली इसको ऑफ़ कर देना, जैसे कि मैंने ऑफ़ किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरा सॉल्व ये प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, मैं फिर बैक आ जाना है आपको। चलिए तो मैं देख लेता हूँ, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ पहले एक तरह, देखो दोस्तों ऑप्शन दे दिया है अनइंस्टॉल का, आप यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो दोस्तों। तो आप अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो आपको सिंपली इस बार इस पर क्लिक करना दोस्तों। आपको यहाँ पर मेरा जो आइकन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर आइकन दिख रहा है, आपको इस सिंपली आपको बड़ा कर देना है और आपको यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको थ्री लाइन डॉट दिख रहा होगा दोस्तों कोना में, एक बार क्लिक करिए ऊपर देखिए थ्री लाइन डॉट है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर आपको सीन 360 करके देखना है ताकि आपको वीडियो क्लीन नज़र आए। तो बस यही था आज का टॉपिक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।